जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 15 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूबीपीसीएस, यूपीएससी, बीबीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूबीपीसीएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या बीबीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करिए। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिनको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिए, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। सो आज के कौन से टॉपिक है, तो रतन टाटा जी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आप जानते हैं कि हमारे बीच नहीं रहे। इसके अलावा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का क्या रोल है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडिया मालदीव के रिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। फिर आरबीआई और एनबीएफसी के बारे में चर्चा होगी। 2024 के नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी के बारे में भी बात होगी। तो एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। छोटे से टॉपिक्स हैं आज, बट कुछ टॉपिक्स में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। रतन नवल टाटा जो फॉर्मर चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, 86 की उम्र में है, मुंबई में इनका देहांत हुआ और अपने बहुत सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं यार ये पूरे दुनिया भर में। इनकी तो बहुत फेमस स्टोरीज वगैरह भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जैगवार कंपनी जो है उन्होंने परचेज जो है वो की है, जैगवार कंपनी भी जो है वो टाटा की है, राइट। और भी काफी सारी कंपनीज थी, जैसे मेरे ख्याल से फोर्ड भी है ना, कि फोर्ड भी जो है वो उसको भी टाटा ने जो है उसमें शेयर जो है वो अपना लिया था। तो ऐसी काफी सारी कंपनीज है जिसमें टाटा के शेयर है, ओनरशिप है। इवन इंडियन एयरलाइंस ऑल्सो, आपको पता होना चाहिए इंडियन एयरलाइंस जो है, एयर इंडिया पहले जो है वो टाटा की थी। प्राइवेटाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, फिर नेशनलाइजेशन हुआ, फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास गई, फिर दोबारा से वापस से टाटा के पास जो है वो आ गई। आई थिंक यू नो अबाउट इट, एयर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आपको पता ही है कि ना ही सिर्फ बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, ये अपने डोनेशन के लिए भी जाने जाते हैं, राइट। 102 बिलियन यूएस डॉलर का एक आंकड़ा सामने आया है। एनीवेज, तो और लव स्टोरी भी इनकी काफी फेमस जो है वो रही है, आपको पता होगा, राइट। हालांकि ये सब चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से, बट फिर भी यार कुछ कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जैसे रतन टाटा जैसी, जो बहुत इंस्पायर करती है, राइट। मतलब ये बताती है कि यार सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा है सब कुछ ऑब्वियसली, जब इंसान कमा लेता है तो उसके लिए फिर वो दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होता है। तो जब आप मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो टाटा को देखकर सीखना चाहिए कि पैसा तो कमाओ ही कमाओ, प्लस साथ ही साथ जो है वो डोनेशन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहो। मेरे ख्याल से उनकी कुछ 63-64% उनकी कंपनी का जो प्रॉफिट रहता था वो ये डोनेशन के तौर पर जो है वो प्रोवाइड कराते थे। तो टाटा फैमिली में जन्मे टाटा जी इंडिया वापस आते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, और उसी समय जो है वो कहा जाता है कि उनका उनको प्यार था एक लड़की से। और अब देखिए यार टाटा का मतलब वो माइंडसेट, आज तक नहीं पता कि वो लड़की कौन है, कभी भी इंटरव्यू में कहीं रिवील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस लड़की की कहीं और शादी हो गई थी और उसकी टाटा बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे दुनिया भर में फैल जाएगी। तो ये रिस्पेक्ट, इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट, जो कि आज की रेट में इंडियंस भूलते जा रहे हैं। ब्रेकअप हुआ नहीं कि सामने वाली को बदनाम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है कभी भी लाइफ में। रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ठीक है एक रिलेशनशिप में आप दो लोग थे, कुछ ऐसा हुआ, टकरार हुई या जो भी हुआ, एक्स वाई जी फैक्टर, कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। टाटा की लाइफ में एक्सटर्नल फैक्टर था, इंडिया चाइना वॉर था, उस दौरान जो है वो जो लड़की की फैमिली मेंबर्स थे वो नहीं चाह रहे थे कि वो इंडिया आए, तो टाटा आ गए थे हालांकि इंडिया, रतन जी। तो जब ये इंडिया आए तब उस समय इनको थोड़े समय बाद पता लगा कि लड़की के पेरेंट्स ने उसकी जो है वो शादी करवा दी है। तो उसके बाद से इन्होंने कभी उससे ना कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, ना उसका नाम कभी रिवील किया। सो बट ठीक है, ये स्टोरी पता लगी लोगों को क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, तो पूछा गया था तब उन्होंने बताया था अपनी लव स्टोरी के बारे में, बट कभी भी उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी। सो दिस इज द मतलब थिंग यार, कि एक इंसान को ऐसा व्यक्ति जो है वो बनना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी अपने अंदर जो है वो डेवलप करनी चाहिए कि मैन ऑफ कल्चर, या बोलूं ह्यूमन, ह्यूमन ऑफ कल्चर। एनीवेज, इन्होंने टाटा ग्रुप 1962 में ज्वाइन किया। काफी सारी कंपनीज, टाटा मोटर, टाटा स्टील, इनमें उन्होंने काम किया, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया इन्होंने। टाटा इंडिका जैसी, ये जो पहले नॉर्मल गाड़ियां हुआ करती थी,
मारुति 800 टाइप की, उसी तरीके की मॉडल्स जो है वो चलते थे। उन्होंने एक नए तरह की डिजाइन जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी, जो टाटा इंडिका के थ्रू देखने को मिली। 1991 में टाटा ने जो है वो टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप जो है वो संभाली। उनका टेन्योर जो था वो उस समय चल रहा था जिस समय हमने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि दुनिया की इकोनॉमी, मतलब दुनिया के मार्केट के लिए हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर ली, राइट। तो ये ग्रोथ के लिए था एक पर्टिकुलर समय। तो उस समय पर बहुत बेहतरीन रोल जो है वो प्ले किया टाटा ने, कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया। फिर इसके अलावा अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यार देखो, हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल एक्विजिशन जो टाटा ने किया, जैसे कि टेटली टी सन 2000 में किया गया था, कोरस स्टील 2007 में किया गया, लैंड रोवर जैगुआर जिसके बारे में भी आपको बताया वो 2008 में किया गया था, टाटा मोटर्स ने ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट में इससे एंट्री ले ली जैगुआर और लैंड रोवर्स की कंपनी खरीद के। इनकी लीडरशिप में TCS जो है 2004 में जो है वो पब्लिक के लिए ओपन हो गई, IT बूम जो है वो आ गया। टाटा का ड्रीम था अफोर्डेबल कार जो है वो कार जो है वो प्रोड्यूस करना, टाटा नैनो, जो हालांकि उनके लिए एक बड़ा फेलियर भी बन गया क्योंकि उसकी मार्केटिंग थोड़ी गलत तरीके से कर दी गई कि ये तो सबसे सस्ती कार है। और आज की रेट में माइंडसेट इंडियंस का अलग है कि बोल दो यार तुमने तो सबसे सस्ती चीज खरीदी है, तो इंसान बुरा मान जाता है, उसकी ईगो में आ जाती है ना, तो वो एक चीज थी। तो इसकी मार्केटिंग के लिए इनको दोष देते हैं, बोलते हैं कि इनकी मार्केटिंग गलत हो गई, बस हमें सबसे सस्ती कार करके मार्केटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। फिर पॉलिटिकल हर्डल्स, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज भी बहुत इन्होंने एनकाउंटर किए। फिर लो कॉस्ट इनोवेशन था ये, बट उसमें भी बुरी तरह से जो है वो चैलेंज फेस किया टाटा नैनो ने। बहुत अच्छी गाड़ी है, मैंने टाटा नैनो चलाई है, बढ़िया गाड़ी है। उनकी लीडरशिप के अंदर इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत सारे हुए, पब्लिक डिस्प्यूट्स हुए, लीगल बैटल हुए थे, ठीक है, उस समय जो चेयरमैन थे टाटा सन्स के उनके साथ। इस इश्यूज के बावजूद भी टाटा का जो इन्फ्लुएंस था ओवर द ग्रुप रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, टाटा ग्रुप में उसका उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। लीगल केस में भी विक्टोरियस निकल कर आए, वो फिलेंथ्रॉफी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं ये, यानी कि अपने डोनेशंस के लिए, परोपकारी काम के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट जैसे एरियाज में हॉस्पिटल सेटअप किए उन्होंने, स्कॉलरशिप दी, इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट्स ओपन किए। फिर इसके अलावा टाटा के बाहर आकर ये इन्वेस्टर बन गए इंडियन स्टार्टअप्स में, जैसे पेटीएम, ओला, अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज जो है उस पर इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, और भी काफी सारी कंपनीज जो मैं भी आपको बता रहा था। फिर टाटा की ह्यूमिलिटी, जो विनम्रता है उनकी, मॉडर्स्ट लाइफस्टाइल है, साधारण जीवन शैली, एक वीडियो उनका वायरल होता है कि इतना रईस इंसान, अमीर आदमी भी अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन सिर्फ एक पैनकेक से कर रहे हैं, सोचिए आप। तो ये चीज थी, हैंड्स ऑन अप्रोच एज लाइसेंस पायलट, लाइसेंस पायलट भी थे ये, पता है आपको, अनमैरिड। क्यों अनमैरिड, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लिखा भी है इसमें कि ही वॉज नोन फॉर हिज पर्सनल इंटरेक्शन एंड एथिकल लीडरशिप, लोगों से पर्सनली मिलते भी थे और लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, तो ये बहुत बढ़िया चीज थी इनमें। बहुत बढ़िया पर्सनालिटी यार, बहुत बढ़िया, इस देश ने एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी को खोया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स इनको मिले हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है फॉरेन कंट्री से, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी कंट्री से। डॉग्स को बहुत पसंद करते थे, बहुत ज्यादा, इनकी जो प्लेस थी उसमें जितने भी डॉग्स थे उनको फ्रीली घूमने दिया जाता था, स्ट्रिक्टली कहा जाता था कि डॉग्स को कहीं पर भी रोका ना जाए। तो ये था रतन टाटा जी के बारे में बेसिक से फैक्ट्स। एग्जामिनेशन में मेनली पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, एथिक्स वगैरह में जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वैसे तो आप लिख लोगे। काफ़ी बढ़िया पर्सनैलिटी थी इनकी, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, और भी काफ़ी सारी इनसे रिलेटेड स्टोरीज हैं, रियलिस्टिक स्टोरीज काफी सारी। एक रूम में जो पूछा गया था इनसे जब ये यंग एज में थे कि तुम्हें कार खरीदने में जो है वो कितना टाइम लगेगा,
इनके फ्रेंड्स ने बोला, किसी ने 1 साल बोला, किसी ने 2 साल बोला, इनने कुछ 10 या 15 साल बोला था कि मेरा टारगेट है कि मैं कार 10 या 15 साल में खरीदूंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों इतना लंबा टाइम? तो उन्होंने बोला कि मैं कार की कंपनी बनाने वाली कंपनी खरीदने का प्लान कर रहा हूँ, ना कि एक कार। सो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। कि अगर आपसे पूछो कि आप ये फलाना कार जो है वो कब तक खरीद लोगे, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कि आपको कार खरीदनी है। बड़ा माइंडसेट, बिजनेसमैन का माइंडसेट कि भाई मुझे कार नहीं खरीदनी, कार तो मैं यूं खरीद लूं, मुझे उसकी कंपनी खरीदनी है। तो ये चीजें थी जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशियस ने रिसेंटली साइन किया एक चार्टर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके थ्रू ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटेरिएट जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है। बांग्लादेश हम लोग को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर देखने को मिल रहा है। ये एब्सेंट था, विदाउट एक्सप्लेनेशन कि क्यों एब्सेंट था, और सेशल्स जो है वो एज अ ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये फैक्ट्स भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए आइए थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। ये सीएससी जो है वो क्या है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। देखो यार, ये ओरिजिनली एनएसए ट्राइलेटरल ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी थी। शुरुआत होती है इसकी 2011 में, जब इंडिया, श्रीलंका, मालदीव मिलकर सामने आई और इन्होंने बोला कि हमें समुद्री सुरक्षा पर काम करना है इंडियन ओशन रीजन में। बाद में मॉरिशियस ने ज्वाइन कर लिया 2022 में, 2024 में बांग्लादेश ने ज्वाइन कर लिया। और मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ में आ चुका है आपको, कि इंडियन ओशन को सिक्योर करना, वहां पर सुरक्षा बढ़ाना, बस दैट्स इट। ये बस आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा बे ऑफ बंगाल जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एरिया हम लोग को इंडिया के लिए देखने को मिलता है। ऑब्वियसली इंडिया का इंटरेस्ट है वहां पर, और ये एक ब्रिज क्रिएट करता है साउथ चाइना सी के बीच में और इंडियन ओशन के बीच में, बे ऑफ बंगाल। यस, और साउथ चाइना सी पे तो चाइना का जो है वो कहर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इवन इन इंडियन ओशन ऑल्सो चाइना जो है वो उसका मूवमेंट काफी ज्यादा हो गया है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हालांकि ये सब कंट्रीज जो है ये चाइना की भी फ्रेंड कंट्रीज, अलाई कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, बट हम इनके साथ जो है वो सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म, मतलब सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म के जरिए इन सब कंट्रीज को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो मेन चीज ये है, इंडिया का पर्सनल इंटरेस्ट, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंडिया इस क्षेत्र में गए, एक तो एक डोमिनेंट रीजनल पावर हम लोग को देखने को मिलती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय शक्ति है, राइट? और बे ऑफ बंगाल जो है वो, वहां पर सिक्योरिटी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, तो इन सब कंट्रीज को अगर हम साथ में रखेंगे तो ये कंट्रीज हमारे फेवर में बात करेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी। तो ये गेम है, ये स्ट्रेटेजिक गेम है हमारा, डिप्लोमेटिक गेम। चाइना का इंटरेस्ट इंडियन ओशन रीजन पर बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि ये सब छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है और जो दूसरी रिमेनिंग कंट्रीज हैं उनका, हमारी नेबरिंग कंट्रीज, तो उनका सपोर्ट जो है वो हमें मिले, जिससे कि चाइना जो है वो यहाँ पर ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट ना कर पाए, हम काउंटर कर सके चाइना के इन्फ्लुएंस को। बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है मेनली। तो मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी तो बस एक आप कह सकते हो कि बहाना है, क्योंकि मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं, हमारी खुद की फोर्सेज इनफ, बट वी नीड पार्टनर्स, हमें पार्टनर्स चाहिए। ये होती है डिप्लोमेसी जो आपको सीखनी है, क्योंकि अगर हम इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म में आकर सिक्योरिटी के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं चाइना उनको इन्फ्लुएंस कर लेगा। तो चाइना उनको इन्फ्लुएंस करे, उससे पहले हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंट्रीज को जो इन्फ्लुएंस करें। आर यू गेटिंग इट? जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट करेंगे, एक्सरसाइज दोस्ती 15, पहली जॉइंट एक्सरसाइज अरेबियन सी के अंदर सीएससी फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे आप। काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे मुद्दे पर हम लोग जो है वो मिलकर सभी कंट्रीज कोलैबोरेट करके जो है मिशंस कंडक्ट करेंगी, ड्रिल्स कंडक्ट करेंगी, साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर के प्रोटेक्शन पर भी बातचीत की जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में अगर किसी प्रकार से कोई डिजास्टर होता है, आपदा आती है, लोग फंसते हैं, तो सहायता प्रोवाइड कराएंगी ये पूरा ग्रुप। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन ओशन रीजन पर और हम लोग जो है अपना कंट्रोल अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकें और चाइना के बढ़ते हुए प्रेजेंस को जो है वो काउंटर कर सकें। तो इंडिया का डिप्लोमेसी रोल है, डिप्लोमेटिक रोल है, जो मैंने भी आपको बता दिया, और ये हमारे सागर इनिशिएटिव से भी जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बोला ना कि बिम्स्टेक जैसी
इनिशिएटिव है हमारे पास, और भी काफी सारे इनिशिएटिव, आशियान हो गया, ये सब कंट्रीज को एक साथ जोड़ने के लिए, बट फिर भी ये सब जो छोटी कंट्रीज हैं उनके उनके साथ मिलकर हम एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना चाह रहे थे कि जिसके थ्रू चाइना का बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है इस क्षेत्र में वो इन कंट्रीज को इन्फ्लुएंस ना कर सके इंडिया के अगेंस्ट, तो इससे बेटर है कि हम पहले ही उनके साथ हाथ मिला लें। तो यही है प्रॉब्लम, सिर्फ चाइना है मेनली जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रेजेंट चैलेंज वही है चाइना का, चाइना की नेवल एक्टिविटी इंडियन ओशन रीजन पर काफी तेजी से बढ़ गई है, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है तीन कॉन्टिनेंट्स को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो ओल्ड सिल्क रूट का एक्सटेंशन है, प्लस एक मैरीटाइम रूट भी उनका क्रिएट हो चुका है, तो हमें दोनों को ही साइमल्टेनियसली काउंटर करना है। आर यू गेटिंग इट? तो बस ये सिंपल सी चीज थी, आप तो ये बस ये सीएससी फ्रेमवर्क थोड़ा सा ध्यान में रखो कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, और ये इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और लेटेस्ट बांग्लादेश कंट्री ने जो है वो कंट्री का ग्रुप है, और सेशल्स अभी इसकी ऑब्जर्वर स्टेट जो है वो रही है। बस इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, समुद्री बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र में और इंडियन ओशन रीजन में जो है वो समुद्री सुरक्षा को मिलकर बढ़ाना, प्लस इनकी एक एक्सरसाइज है दोस्ती 15 जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर पूरी बात है। नेक्स्ट, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो मालदीव्स ने रिसेंटली, अभी आपको ऑलरेडी पता है, हमने ये टॉपिक रिपीट भी हो चुका है शायद, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने विजिट किया था इंडिया के अंदर और काफी सारी चीजों पर चर्चाएं हुई, राइट, बायलेटरल कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिले, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर इनिशिएटिव जैसे हमारे जो प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो मालदीव्स के साथ जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं वो इन सब प्रोग्राम्स का भी हिस्सा है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी हम लोग को देखने को मिलेगी जिससे कि इंडियन ओशन क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, इंडिया ने एक्सटेंड करी है ट्रेजरी बिल जिसकी कीमत है $100 मिलियन मालदीव्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो किया गया है साइन, ₹30 बिलियन जो है वो इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ के लिए जो है वो दिए जाएंगे, प्रायोरिटी जो है वो दी जा रही है ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट, कि उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कनेक्ट जो है वो करेंगे हमारे आइलैंड को गेरावारू और थीलाफूशी। ठीक है, ये थीलाफूशी कमर्शियल पोर्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, इस पर भी बातचीत हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे इंडियन मतलब अथॉरिटीज की मदद से। इंडिया जो है वो मालदीव का पार्टिसिपेशन सपोर्ट कर रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाले में जो इनिशिएटिव है। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स हार्बर प्रोजेक्ट जो है ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा, सिक्योरिटी को बढ़ाने का ये काम करेगा। दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंट्रीज अलग अलग तौर तरीके लेकर आएंगी जिससे कि इनका ट्रेड जो है वो और बढ़ सके, टूरिज्म बढ़ सके। रुपे कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है मालदीव्स के लिए कि मालदीव्स के अंदर कि वहां पर इंडियन टूरिस्ट जो है वो रुपे कार्ड की मदद से ट्रांजेक्शन कर सकें। मालदीव्स इंडिया के UPI को अपने जो डिजिटल टूल है उसके साथ इंटीग्रेट करेगा। जन औषधि केंद्र जो है वो प्रोवाइड कराएंगी अफोर्डेबल इंडियन मेडिसिन मालदीव्स के अंदर। मेंटल हेल्थ, ड्रग एडिक्शन, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, इन सब एरियाज पर फोकस करने की बात हुई है कि दोनों कंट्रीज मिलकर फोकस करेंगी। मालदीव्स के अंदर बहुत बुरी स्थिति हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, आप कुछ नहीं है, चाइना जिस जिस कंट्री के साथ हाथ मिलाएगा वो कंट्री की बैंड बजेगी, जैसे श्रीलंका तो आपने देखा ही है, मालदीव्स भी देख लो। इनका जो है फॉरेन रिजर्व जो है वो मात्र 1.5 मंथ ऑफ इंपोर्ट का ही बचा था। सीवियर इकोनॉमिक स्लो डाउन डाउनटर्न हम लोग को देखने को मिला, फिर फाइनेंशियल एजेंसीज की तरफ से वार्निंग आ गई। अब मालदीव्स के ऊपर प्रेशर आ गया कि अब उसको इंडियन हेल्प की जो है वो आवश्यकता है। बीच में शाड़ा बन रहा था मालदीव्स, हमारे से तेज चल रहा था कुछ महीनों पहले, बट अब जब इकोनॉमी की बैंड बजी है, पैसे से कंगाल हुआ है, तो हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं इसको। मालदीव्स इंडियन टूरिस्ट के ऊपर बहुत बुरी तरह से रिलाय करता है। ठीक है, और अभी बीच में हो भी गया था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक संकेत जो है वो दे दिया था कि कोई जरूरत नहीं है आइलैंड्स वगैरह जाने की इंडियन टूरिस्ट को, हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बुरे हैं क्या,
आपने फोटो देखी होगी शायद, तो वो एक कहा सुनी हुई थी, तो उस कारण से हमने वो चीज करी, क्योंकि वी नो अबाउट इट कि इंडियन टूरिस्ट से बहुत फायदा होता है मालदीव्स को। इंडिया वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है मालदीव्स का, फूड और मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं मालदीव्स को। मालदीव्स के डेवलपमेंट में इंडिया ने बहुत सपोर्ट भी किया है। मालदीव्स एक्नॉलेज करता है इंडिया को कि इंडिया जो है वो मालदीव्स की हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन 2014 में पानी की शॉर्टेज थी और COVID-19 का जो समय था 2020 का, उसमें भी हमने बहुत हेल्प करी है मालदीव्स की। इवन अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो बस यही चीज़ है इस टॉपिक के बारे में, ये पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया ये टॉपिक। मालदीव्स को जो है वो सी लेवल राइज का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सी लेवल राइज होगा तो ये सब जितने भी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है वो सबकी सब डूब जाएंगी। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा है मालदीव्स को। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर बढ़ता ही आ रहा है, पर ठीक है, हम बैलेंस किए हुए हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किए हुए हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 51st मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है वो बैठाई है। अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके हेड गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं। जब डिस्कशन हुआ तो उसमें जो है वो चर्चा काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में की गई, जैसे कि कुछ NBFC या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनके पर मतलब बारे में जो है वो कुछ चिंताएं जो है वो व्यक्त की गई। RBI ने अनाउंसमेंट जो है वो की है कि भाई रेपो रेट में हम चेंजेस नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन टारगेट की बात करिए, इन्फ्लेशन टारगेट तो आपको पता है 4 ± 2%, और नया इनिशिएटिव जो है वो पेमेंट सेक्टर के अंदर लाने की बात करिए। जैसे कि आप ध्यान में रखिएगा जो रेपो रेट हम लोग को देखने को रहा है वो 6.5% की दर पर ही है लगातार 10वीं बार, राइट। और ऑब्जेक्टिव यही है, तो रेपो रेट को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुद्रा फीसदी यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। फिर इसके अलावा यहां पर जो है वो कहा गया विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन टू न्यूट्रल स्टैंड जो है वो शिफ्ट करना है पॉलिसी का, राइट। मतलब न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो लेकर आनी है, क्लियर क्लियर बात तो इन्होंने ये कही। इन्होंने बोला कि हम किसी भी चीज को हटाएंगे नहीं बट हम बैलेंस करके चलेंगे, एज सिंपल एज दैट। यानी कि RBI की पॉलिसी होगी अब वो बैलेंसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेगी, ना कि किसी को हटाने से बेहतर है। इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो ये रखा गया 4 ± 2%, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 4.5% की बात जो है वो की गई है, और RBI का जो कमिटमेंट है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट का उसको ये कंटिन्यू रख रहा है। RBI ने इवन रियल GDP ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी 7.2% की दर से रखने की बात करी है। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है कुछ, वैसे ये आएगी नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो जब भी मीटिंग होगी तो उसमें ये चेंजेस होने की संभावना होती है इन सब आंकड़ों की। तो सिविल सर्विसेज इस प्रकार से आंकड़े नहीं पूछती जो कि मतलब चेंज हो जाए, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये मीटिंग हुई है। NBFC की ग्रोथ और उससे रिलेटेड चिंताएं हम लोग को ये देखने को मिल रही है कि इनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है। चिंता ये रेस की गई कि कुछ NBFC जो है वो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट अप्रोच जो है वो अपना रहे हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है वो नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। RBI ने यही बोला कि भाई इससे बहुत बुरी स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। कुछ NBFC स्पेशली माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस ये प्रेशर में है इन्वेस्टर से कि वो एक्सेसिव रिटर्न जो है वो इक्विटी पर डिलीवर करें, और इसी एक्सेसिव रिटर्न को डिलीवर करने की का जो कमिटमेंट है उसको देखते हुए ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ प्रैक्टिस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ NBFC जो है वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। इवन मैंने खुद NBFC से जब लोन उठाया था तो 40% इंटरेस्ट जो है वो पे किया है, 40%, सोचिए आप। और बाउंसिंग की पेनाल्टीज बहुत खतरनाक होती है NBFC की। एक बार वहां से लोन तो आपको इजीली मिल जाएगा, भले ही आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा डाउन क्यों ना है, बट उसके बाद जो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है ना तो बहुत ही खतरनाक होता है बॉस। तो यही चिंता जो है व्यक्त की जा रही है कि अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के चक्कर में प्रेशर सिटीजन्स के ऊपर दिया जा रहा है उनको अट्रैक्ट करके। तो RBI ने यही कहा है कि भाई सबसे पहली चीज तो कंप्लायंस फर्स्ट, कि भाई रूल्स रेगुलेशन सबसे पहले है, उसको फॉलो करो, कल्चर को फॉलो करो, राइट। सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट बनाने के गोल से जो है वो चीजें मत करो। सेंट्रल बैंक ने एडवाइस किया NBFC को रिव्यू करें अपनी कंपनसेशन स्ट्रक्चर को,
स्पेशली इंसेंटिव ड्रिवन पे जो इनकरेज करता है रिस्की बिहेवियर और शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करता है। एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट जो है वो कुछ एनबीएफसी का जो है इसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जो है वो एक्चुअल डिमांड से नीचे चली गई है और ये बहुत ज्यादा रिस्क क्रिएट जो है वो कर सकती है कि कई बार आप बिना सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस को जाने अगर उसको लोन दे दोगे तो वो एनपीए कर देगा। फिर शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो आपने देख ली बट फिर लॉन्ग टर्म के लिए एनपीए हो गया ना अकाउंट, ये बात भी तो है। एनबीएफसी के अंदर 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है एसेट अंडर मैनेजमेंट में, 47 trillion rupees हो गई है। ये सेक्टर जो है वो स्लोअर ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में इसमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइट रूल्स रेगुलेशंस अब नजर आएंगे क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया कि अब स्ट्रिक्टली फॉलो करो गाइडलाइंस को, क्योंकि आरबीआई को चिंता है ना भाई ये अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट का रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो उसमें एनपीए हो जाती है। देखो लिखा भी है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए एनबीएफसी सेक्टर के अंदर 2.6% रहा जून 2024 में, हालांकि प्रीवियस ईयर से इंप्रूवमेंट हुआ है बट फिर भी चिंता व्यक्त यही की गई है कि जिस प्रकार से इनका ग्रोथ एग्रेसिव ग्रोथ का टारगेट रहता है उसको लेकर ये धड़ाधड़ लोन जो है वो पास ऑन करते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट पे पास ऑन करते हैं तो क्लाइंट्स के लिए तो दिक्कत वाली कहानी हो जाती है ना यार। आरबीआई ने अनाउंस किया है यूपीआई 123 पे ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 5,000 से 10,000 कर दी जाएगी। क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्मेशन आरबीआई ने ये भी बोला है कि आप रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसके अंदर पूरा डेटा होगा कि भाई किस प्रकार से डेटा का गैप है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो यहाँ पर पूरी रिकॉर्डेड रहेंगी। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो समझने वाली हो या आंकड़े वगैरह भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एक बार पढ़ लेना राइट, अगर आगे चल के न्यूज में आएगा तो मैं तो पढ़ा ही दूंगा आपको, बट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट को जो है वो दिया गया है जिन्होंने माइक्रो आरएनए और उसका रोल जो है जीन रेगुलेशन में उसकी डिस्कवरी करी है। तो आप तो सिर्फ माइक्रो आरएनए और जीन रेगुलेशन में जो उसका रोल है तो उसके लिए दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट को प्राइज मिला है। ये साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से माइक्रो आरएनए जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है, रिसर्च है आप कह सकते हो, ये अलग अलग डिजीज जो है उसका किस प्रकार से इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है उसको समझने के लिए ठीक है। इनको नोबेल असेंबली जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में, तो वहां से इनको रिकॉग्नाइज किया गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में ये साइंटिस्ट रिसर्चर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। साइंटिस्ट ने जो है उपयोग किया है, अब ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कैनियोराबिटिस एलिगेंस राउंड वॉर्म का उपयोग किया है एक्सप्लोर करने के लिए कि टिश्यू किस प्रकार से डेवलप हो रहा है और स्पेसिफिक जीन के रेगुलेशन पर इन्होंने फोकस किया है। इन्होंने ये एनालाइज किया कि म्यूटेंट आपको पता क्या होता है कि जो सेल्स बढ़ते हैं तेजी से उसको म्यूटेंट्स बोलते हैं, वो अपने आप की कॉपी बढ़ाता है। तो एनालाइज किया गया कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो एबनॉर्मल जेनेटिक प्रोग्रामिंग जो है वो रिलीज करते हैं जिसके कारण से माइक्रो आरएनए किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है तो उसको आप रेगुलेट कर सकते हो। एम्ब्रोस क्लोन्ड एक जीन हम लोग को देखने को मिल रहा है LIN4, ये बेसिकली तब पाया जाता है जब स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज करता है, बनाता है, तैयार करता है। तो ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सब पूछेंगे नहीं आप, तो बस ये साइंटिस्ट रिसर्चर्स के बारे में ध्यान में रखिएगा कि जिनको जो है वो mRNA की स्टडी के लिए और उसके जीन के रेगुलेशन के पर्पस के लिए जो उन्होंने स्टडी करी है तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। माइक्रो आरएनए जो है वो क्या है, तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है वो दो स्टेप में बनता है, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए जो है वो कॉपी होता है आरएनए में, फिर वो राइबोसोम्स में मूव कर जाता है। ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसफर होता है आरएनए, वो डिलीवर करता है एमिनो एसिड और फिर वो एक जगह पर आकर असेंबल हो जाते हैं और ये आरएनए इंस्ट्रक्शन जो है वो जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग एक जगह पर असेंबल हो जाता है बस। तो एमिनो एसिड डिलीवर करता है,
ये ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस में कॉपी हो जाता है एमआरएनए में, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, डिजीज को और बेहतर तरीके से, जैसे कैंसर कैसे डेवलप हो रहा है उसको समझने में हेल्प मिलेगी, है ना। काफी बार लोगों की जब मतलब सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है या देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसको और बेहतर तरीके से स्टडी करने में मदद मिलेगी। फ्यूचर में और भी काफी सारी जो बीमारियां हो सकती हैं या महामारी आ सकती है, तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी स्टडी के थ्रू। बस यही चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो, जुवेनाइलिटी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर बताएं कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट से रिलेटेड भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसका क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ITCZ पता है आपको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ज्योग्राफी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसमें शिफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है। क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकता है कि ITCZ में शिफ्ट हम लोग को क्यों देखने को मिलता है, क्या कारण है ITCZ के शिफ्ट होने का, ठीक है। ये जुवेनाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, ट्राई करिएगा 150 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर देने की। तो चलिए, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।